हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। टीचिंग एक्सपर्ट 0217, 0217 इज आवर यूनिक कोड। इसलिए जब भी हमारे चैनल को सर्च करें तो 0217 डालना ना भूलें, क्योंकि 0217 हमारा यूनिक कोड है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2, चैप्टर 2, क्लास 10th पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने पढ़ाया था क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1, और वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देता दे रहा हूँ, ये कि आपका जो सिलेबस है, 10th का सिलेबस है, वो चेंज हो गया है। मैथ्स का, इंग्लिश का, मैथ्स का तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ है। 9th का भी इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ है। SST का सिलेबस चेंज हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन आगे पीछे किए गए हैं, तो आगे की जानकारी के लिए वीडियो प्लीज़ कंटिन्यू रखें और पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जीरोज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ठीक है, इसमें अगर कोई एक ऐसा वैल्यू रख दे, इसमें अगर कोई एक ऐसा वैल्यू रख दे जो कि पूरे के पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे, तो वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। क्लास 9th में या क्लास 8 में हम लोग फैक्टर निकालने सीखे हैं कि एक्चुअल में फैक्टर निकलता कैसे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन को डील करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसका जब हम लोगों ने फैक्टर किया तो हम लोगों को मिला एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू। अगर इसे हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज जीरो व्हेन एक्स का वैल्यू जब हम लोग 4 रखेंगे और एक्स का वैल्यू माइनस 2 रखेंगे, तो हम लोगों को ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है वो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आएगा कहाँ से, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे, ये फैक्टर करके। क्योंकि अगर एक्स माइनस फोर को जीरो से कंपेयर किया जाए और एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर अगर इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हम लोगों को मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू फोर। यहाँ तक तो क्लियर होगा हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू फोर। उसी तरह एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिला है फोर और एक्स का वैल्यू मिला है माइनस टू। अब इसमें फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को दो चीज़ निकालना, सम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को दो चीज़ निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा लर्न करके रखिएगा। लर्न करते हैं तो ये बहुत आसानी से, इजी से बन जाएगा। अब सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, कि जो जीरोज हम लोग निकाले, ये जो नजर आ रहा है ना, ये जीरोज है, तो इसका सम करेंगे, फोर प्लस माइनस टू, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो हम लोगों को फाइनली क्या मिल जाएगा, फोर माइनस टू इक्वल टू टू। अब फॉर्मूला के हिसाब से क्या, कॉफिशेंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग कॉफिशेंट, जो चीज मल्टीप्लाई में रहता है ना, वो कॉफिशेंट कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर कॉफिशेंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है माइनस टू, तो एक्स का कॉफिशेंट कितना हो जाएगा, माइनस टू। तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, सम मतलब दोनों का सम करेंगे, फोर माइनस टू का सम करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, टू माइनस माइनस रख दिए, कॉफिशियंट ऑफ एक्स, कॉफिशियंट ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या है हमारा, माइनस टू, तो माइनस टू यहाँ पर पुट कर दिए। कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे बताया था कि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना है, वन, तो वन रख दिए और इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिला, टू, टू इक्वल टू टू। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, कि ये जो फोर है और टू है, फोर और माइनस टू है, इसका प्रोडक्ट करेंगे, फोर इंटू माइनस टू इक्वल टू क्या आएगा हमारा, माइनस एट। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है, माइनस एट आया, देखिए यहां पर देख सकते हैं माइनस एट आया। अब इसके लिए भी फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए, वो क्या, कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अब किसे कहते हैं, तो जो एट है,
इसके साथ कोई एक्स वाई कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -8। तो हम लोग यहाँ पर क्या रख दिए, कांस्टेंट टर्म के जगह पर -8। कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग जान रहे हैं कि कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, 1। और कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 क्यों, क्योंकि एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से सब बैठा दिए, कॉन्स्टेंट टर्म -8 बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो टोटल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -8। क्लियर। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए, सम्स ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यहां पर हम लोग क्या किए, रिलेशन को वेरीफाई किए। एक में हमारा सम ऑफ जीरो कितना आया है, LHS इक्वल टू RHS हुआ, 2 इक्वल टू 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या हुआ है, LHS इक्वल टू RHS हुआ है, मतलब -8 इक्वल टू -8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सारा क्वेश्चन इसी पर बनेगा। आपको सिर्फ करना है क्या है, फॉर्मूला याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है आपको कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर है इसके साथ दो मल्टीप्लाई में है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना हो गया, 2। ठीक है, जो टर्म मल्टीप्लाई में रहता है वो उसका कॉफिशियंट कहलाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 4s² -4s+1, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, इसका भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। जब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2s-1 का होल स्क्वायर आएगा, मतलब 2s इक्वल टू 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। s इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों का, 1/2। ठीक है, तो s इक्वल टू 1/2 देख सकते हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ 4s² -s+1 इज 0 व्हेन 2s-1 इक्वल टू 0। हम लोग जान रहे हैं कि जब 2s-1 को, ये 2s-1 जो है यहाँ पर, 2s-1 को अगर कंपेयर किया जाए 0 के साथ, इक्वेट किया जाए, तो हम लोगों का s का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/2। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे हम लोग, 1/2 + 1/2, हमारा क्या मिलेगा, 1। और कॉफिशियंट ऑफ s, तो कॉफिशियंट ऑफ s क्या है मेरा, -4, देख रहे हैं मल्टीप्लाई -4 में, बाई कॉफिशियंट ऑफ s² तो कॉफिशियंट ऑफ s² क्या है मेरा, 4। नीचे रख दिया, जब इसको सॉल्व किया तो ये दोनों क्या हुआ, कट गया, कट गया तो क्या मिला, 1, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 = 1, LHS इक्वल टू RHS। तो बस सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, बस फॉर्मूला याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस का ये फॉर्मूला है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ये फॉर्मूला है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोगों का जो सिलेबस चेंज हुआ, उस सिलेबस के बारे में जानकारी हम अपने अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।